हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, वेल्कम टू माई क्लास। माई सेल्फ मिसेस रजनी भाटिया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7, ट्राइंगल्स। चैप्टर का नाम तो ट्राइंगल्स है, बट बेसिकली इसमें हमने कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल्स प्रूव करनी है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए ट्राइंगल्स क्या होते हैं। जैसे कि आपने पिछली क्लासेस में भी आप पढ़ के आए हैं, थ्री साइडेड फिगर, थ्री साइड्स हैं, थ्री एंगल्स हैं, थ्री वर्टिसेस होती हैं उसकी। और एंगल सम प्रॉपर्टी जो ट्राइंगल्स की होती है, उसमें तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो इसमें हमें ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करनी है। कॉन्ग्रेंसी प्रूफ कैसे करते हैं? आपके पास फोर बेसिक रूल्स हैं, SSS, SAS, ASA एंड RHS। SSS मतलब तीनों साइड्स एक ट्राइंगल की दूसरे की तीनों साइड्स के इक्वल हो, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं। और जब कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स प्रूव हो जाते हैं, तो उसके बाद उनकी बाकी सारी साइड्स या बाकी सारे बचे हुए जो भी एंगल्स या जो भी उस फिगर में बाकी चीज़ें होती है, वो सारी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाती है व्हेन दे आर कॉन्ग्रेंट। हम सिर्फ तीन चीज़ें लेके उनकी कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करते हैं, SSS मतलब तीनों साइड्स, SAS मतलब दो साइड्स और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल, या ASA दो एंगल्स और उनके बीच की इंक्लूडेड साइड, एंड RHS राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड। इसके अलावा एक और ऑप्शन हम यूज़ करते हैं, AAS। AAS क्या होता है? दो एंगल्स लेकिन साइड जो है वो इंक्लूडेड नहीं होती, उन दोनों के बीच की नहीं होती। जैसे ये और ये एंगल है, तो इंक्लूडेड साइड ये वाली होगी, तो ये एंगल और साइड अगर कोई तीसरी आ जाती है तो दैट इज़ AAS। चलो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये आपके सामने फिगर बनी हुई है। ABCD इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? फोर साइडेड फिगर। उसमें A और B को ज्वाइन किया वो डायगनल है, तो हमारे पास दो बेसिकली ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ABC एक ट्राइंगल और ABD दूसरा ट्राइंगल। इसमें गिवन कंडीशन क्या है कि AC साइड AD के बराबर है, दिस इज़ गिवन, AC इज इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A, और ये जो AB है एंगल ए को बाइसेक्ट करी, मतलब टू बराबर पोर्शंस में, टू बराबर हिस्सों में उसको डिवाइड कर रही है। शो क्या करना है आपको? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD, और उसके बाद व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, BC और BD के बारे में आप क्या कहते हो। चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये रफ फिगर मैंने आपके लिए ड्रॉ की है जो कि आपकी बुक में गिवन है। ABCD ये दो साइड्स इक्वल हैं और ये दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं, और एंगल का मैंने पूरा नाम लिखा है। जैसे ए पॉइंट पे ही दोनों एंगल बन रहे हैं, तो एक है CAB, दूसरा है DAB या BAD, तो आप यहाँ 1 और 2 भी डाल सकते हो अपनी समझ को ईजी करने के लिए, समझने के लिए, तो आप इसमें 1, 2 भी लिख सकते हो। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना पहले गिवन लिखना होता है। गिवन मतलब जो आपको कंडीशंस बुक में आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। जैसे हमारे इस क्वेश्चन में क्या गिवन था कि AC और AD आपस में इक्वल हैं, तो AC इज इक्वल टू AD, ये गिवन है हमें। गिवन क्या है? AC इज इक्वल टू AD और ये दो एंगल्स इक्वल हैं, CAB इज इक्वल टू BAD, CAB एंड BAD ये दो एंगल्स आपस में इक्वल। टू प्रूव आपको क्या करना है कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ABD, ये वहाँ पे पूछा गया है। जो चीज़ आपने प्रूव करनी होती है ना, दैट इज़ रिटन इन टू प्रूफ। और ये भी बताना है कि क्या है BC और BD के बारे में क्या रिलेशन है। तो प्रूफ होता है जो हम आगे लिख रहे हैं अपने सम को सॉल्व करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज द प्रूफ। नाउ इन ट्राइंगल ABC, ये देखिए ABC एक ट्राइंगल है, ABD दूसरा ट्राइंगल है। तो ABC और ABD ट्राइंगल्स को अगर हम लें, तो पहले ABC में AC साइड, ABD के किस AD साइड के इक्वल है, ये दो साइड्स इक्वल हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आगे ये एंगल जो हमने लिखे थे, एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल BAD, दैट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। और AB साइड जो है वो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, तो AB इज इक्वल टू BA, दैट इज कॉमन, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SAS रूल, साइड एंगल एंड साइड, दो साइड्स के बीच का एंगल इंक्लूडेड है। तो जब आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो उसके बाद उनके सारे पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं, सारे एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, सारी जो बची हुई साइड्स हैं वो सब आपस में इक्वल होंगी। तो ऑल्सो BC इज इक्वल टू BD,
ये हम कैसे कह सकते हैं, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी की फुल फॉर्म क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। तो सीपीसीटी, जब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाते हैं, बाकी उनके सारे पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं, उस केस में हम क्या लिखते हैं, बाय सीपीसीटी। फुल फॉर्म इज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। अगेन ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें हमने बी डी और ए सी को ज्वाइन किया है। गिवन क्या है, बी डी इज इक्वल टू ए सी। ये जो दो साइड्स हैं, बी डी और ये ए सी, आपस में इक्वल हैं, एंड ये दो एंगल्स भी इक्वल हैं। डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए। ये एंगल डी ए बी, जो सेंटर वाला पॉइंट होता है उस पे एंगल बनता होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है ए सेंटर में और यहाँ लिखा है बी सेंटर में, तो एंगल ए और बी पे बन रहे हैं, बी ए सॉरी डी ए बी एंड सी बी ए। सी बी ए या ए बी सी एक ही एंगल है, मतलब जो इसकी दो बाकी हैं वो आगे पीछे हो सकती हैं, बट जिस पॉइंट पे एंगल बनता है वो सेंटर में ही लिखा जाता है। तो आपको ये सारे पार्ट्स प्रूव करने, एक तो ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रेंसी प्रूव करनी है, फिर बी डी इज इक्वल टू ए सी बताना है, और एंगल ए बी डी इज इक्वल टू बी ए सी। इसको भी हम देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपने फिगर ड्रॉ कर लेनी है। मैंने रफ फिगर फ्री हैंड ड्रॉ की है, बट आप स्केल से ड्रॉ कर सकते हैं, जो बुक में बनी हुई है सेम वो बना ली। गिवन ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, जिसमें ये दो चीज़ें आपको, ये दो कंडीशंस आपकी बुक में गिवन थी। टू प्रूफ, वो जो तीन पार्ट्स लिखे हुए हैं प्रूफ करने को, वो हमने टू प्रूफ करने हैं। तो प्रूफ हमारा कहाँ से शुरू होगा, इन ट्राइंगल ए बी डी जिनकी हमने कॉन्ग्रेंसी प्रूव करनी है। ट्राइंगल ए बी डी, ये देखिए ए बी डी ये हो गया, और दूसरा है ए बी सी, बी ए सी या ए बी सी, वन एंड द सेम थिंग। तो इन दो ट्राइंगल्स को हम ले लेते हैं। इसमें देखिए ए बी डी की साइड ए डी इस ट्राइंगल की ए बी सी के बराबर है, ए डी इज इक्वल टू बी सी गिवन। फिर दो एंगल्स आपको गिवन है, डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए, दैट इज ऑल्सो गिवन, एंड ए बी ए बी साइड जो है वो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, बेस है वो, इसके ऊपर दोनों ट्राइंगल्स स्टैंड कर रहे हैं, तो ये कॉमन हो गई। तो हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन पूरी हो गई हमारी, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी बाय एस ए एस रूल, साइड एंगल एंड साइड। तो फिर बाकी के दो पार्ट्स देखिए, जो दूसरे दो पूछे, बी डी इज इक्वल टू ए सी। अब बी डी इसी ट्राइंगल का पार्ट है, ए बी डी का पार्ट बी डी है, एंड ए बी सी का पार्ट ए सी है, तो बी डी इज इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी। और दूसरी चीज़ हमने क्या प्रूव करनी थी, तीसरी, ए बी डी, ए बी डी मतलब ये छोटा पोर्शन, ये जो है ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू बी ए सी, बी ए सी इसके बराबर। तो ये देखिए, ये इस ट्राइंगल का पार्ट है और ये इस ट्राइंगल का। ट्राइंगल्स पे कंसंट्रेट करिए, एक ट्राइंगल है ए बी डी, उसको हमने कॉन्ग्रुएंट बोल दिया ए बी सी के, तो ये उसका सेकेंड एंगल है, ये भी, ये दूसरे का सेकेंड एंगल है, दे आर ऑल्सो इक्वल बाय सी पी सी टी। इस तरह से आप लिखेंगे, ऑल्सो ए बी डी इज इक्वल टू बी ए सी, दैट इज ऑल्सो बाय सी पी सी टी। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन। एक लाइन ए बी है, उस पे बी सी एंड ए डी परपेंडिकुलर्स है, परपेंडिकुलर मतलब 90 का एंगल बना रहे हैं, और इक्वल भी हैं, ये 90-90 एंगल भी है, और ये बी सी इज इक्वल टू ए डी भी गिवन है। तो शो करो कि सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। सी डी जो है वो ए बी को कहाँ काट रही, ओ पे, तो आपने बताना है कि ये बाइसेक्ट कर रही, बाइसेक्ट का मतलब बी ओ इज इक्वल टू ओ ए, अल्टीमेटली आपने ये प्रूव करना है। चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन, ये फिगर थी जो बुक में गिवन है। गिवन बी सी इज इक्वल टू ए डी, और ये 90-90 के एंगल परपेंडिकुलर्स गिवन है ना, तो ये 90 के एंगल्स हो गए। टू प्रूफ सी डी बाइसेक्ट्स, सी डी जो है वो बाइसेक्ट करती है ए बी को। तो अगर आप बी ओ इज इक्वल टू ओ ए प्रूव कर देते हैं तो आपका रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, ए ओ डी ये वाला ट्राइंगल और बी ओ सी ये वाला ट्राइंगल, देखिए इसकी बी सी इसकी ए डी के बराबर है, एंगल ए और बी 90 ईच है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी ईच 90, और ये वाला एंगल देखिए, ये और ये कैसे एंगल्स बन रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू ए ओ डी, ए ओ डी, अगर आपने इधर ट्राइंगल ए ओ डी लिखा है तो ए ओ डी के पार्ट्स इस तरफ आएंगे, बी ओ सी के पार्ट्स इस तरफ आएंगे, ये ध्यान रखना। अगर आप इसको इधर और इसको इधर लिखते हैं और नीचे पार्ट्स को उल्टा लिख देते हो तो इट विल बी कंसिडर्ड रॉन्ग। ए ओ डी के पार्ट्स अगर आपने लिखना है ए, तो वो ए ओ डी की साइड पर आएगा, क्योंकि वो एंगल ए
ओ डी का एंगल है वो इस ट्राइंगल का एंगल है, और बी ओ सी ट्राइंगल का एंगल बी है तो वो उसके नीचे आएगा. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी ईच 90. एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू बी ओ सी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. एंड तीसरी चीज क्या गिवन थी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, दैट इज ऑल्सो गिवन इन द बुक इन योर क्वेश्चन. तो देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी बाय ए ए एस रूल. अब देखिए एंगल एंगल एंड साइड साइड इंक्लूडेड नहीं है तो रूल क्या लगेगा, ए ए एस. तो यहाँ तक हमारा कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई. अब बाकी सारे पार्ट्स इसके ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाने हैं, तो हम कहेंगे ओ बी इज इक्वल टू ओ ए या ओ ए इज इक्वल टू ओ बी बाय सी पी सी टी. जब ओ ए इज इक्वल टू ओ बी आ गया तो मतलब ये जो क्या हो गया कि सी डी बाइसेक्स ए बी, सी डी बाइसेक्स ए बी. इस तरह से हमने अपना रिजल्ट जो है वो प्रूव कर दिया. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस. ये देखिए ये दो लाइंस हैं एल और एम, ये दोनों पैरेलल हैं. दे आर इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू. ये पी एंड क्यू भी आपस में पैरेलल हैं और ये एल एंड एम को काट रही हैं ए पे, डी पे, बी पे और सी पे. शो करना है ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए. ए बी सी और सी डी ए आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ये आपने प्रूव करना है. तो देखिए इसकी कॉन्ग्रुएंसी हम ओरली भी प्रूव कर सकते हैं. ये दो लाइंस पैरेलल आ गई और ये हो गई ट्रांसवर्सल जो इनको काट रही है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे ना. एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल दिस, वन इज इक्वल टू टू, ये थ्री इज इक्वल टू फोर, एंड ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन. देयरफॉर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ए एस ए. लिखना कैसे है, ये फिगर है बुक वाली. गिवन पी इज पैरेलल टू क्यू, एल इज पैरेलल टू एम. टू प्रूफ आपको ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है. तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए. नाउ इन ट्राइंगल जैसे कि आपको मैंने बोल के भी बता दिया, ये वाला एंगल ए बी सी हमने पहले नाम लिखा है, तो पहले हम ये एंगल का नाम लिखेंगे. क्या होगा, बी सी ए इज इक्वल टू डी ए सी, ये दिस इज इक्वल टू दिस. आप वन टू नेम भी डाल सकते हो अगर आपको नाम लिखने में दिक्कत होती है. वैसे नेम लिखना बेनिफिशियल होता है, बट अगर संभव आपको प्रॉब्लम आती है तो आप नंबर्स भी डाल सकते हो इसमें. फिर उसके बाद सेकेंड क्या लिखेंगे, एंगल बी ए सी दिस वन, दिस इज इक्वल टू एंगल डी सी ए, डी सी ए. ये इनकी रीज़न क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, लाइंस आर पैरेलल, सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं. एंड ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन. देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए बाय ए एस ए रूल. ये हमारी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 5, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए. ये हमारा एक एंगल है ए, इसका बाइसेक्टर है एंगल एल, यानी कि ये पोर्शन इस पोर्शन के बराबर है. ये वाला एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. आप इसको नेम भी दे सकते हो वन और टू. एंड दिस बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स. आर्म्स जो हैं एंगल की उनके ऊपर ये परपेंडिकुलर्स बने हुए हैं, तो ये भी एंगल्स इक्वल होंगे. ये 90 है, ये भी 90 है, और ये वाला बाइसेक्टर दिया मतलब ऑलरेडी इक्वल हो गए. और आपको शो क्या करना है, ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी क्यू. ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है. देखिए दो एंगल्स, ये 90-90, ये ऑलरेडी इक्वल, एंड ए बी ए बी, तो कॉन्ग्रुएंसी सामने से प्रूव हो रही है. दूसरा क्या प्रूव करना है, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू. तो ये ट्राइंगल की आपको सी पी सी टी से ही ये प्रूव हो जाएगा. देखिए गिवन लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यानी कि दिस एंगल दिस इक्वल टू दिस एंगल. आप वन टू नेम भी लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड राइट, वो भी रॉन्ग नहीं होगा. इसमें आपको एंगल क्यू ए बी इज इक्वल टू पी ए बी, ठीक है, ये गिवन है. बाइसेक जो कर रहा है तो ये वाले पोर्शन इक्वल होने हैं. और ये एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू ए पी बी, दैट इज ऑल्सो इक्वल देन ईच 90, ये गिवन है. टू प्रूव आपको कॉन्ग्रुएंसी दोनों ट्राइंगल्स की प्रूफ करनी है, और ये प्रूफ करना है कि बी पी इज इक्वल टू बी क्यू. प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं. इन ट्राइंगल्स ए क्यू बी एंड ए पी बी, एंगल दिस क्यू इज इक्वल टू पी. जहाँ पे एक ही एंगल बन रहा हो ना, दो ताँ बन रहे हो, तो आप वहाँ पे उसका फुल नेम लिखने के बजाय पूरा एक वर्टेक्स का नाम भी लिख सकते हो. जैसे एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल पी, क्योंकि क्यू पे एक ही एंगल बन रहा है. अब मैं एंगल ए पे दो एंगल्स बन रहे, तो वहाँ मुझे स्पेसिफाई मैंशन करना पड़ेगा कि क्यू ए बी एंड
पी ए बी अलग अलग दो एंगल्स हैं, तो ये ईच 90 हो गए. क्यू ए बी इज इक्वल टू पी ए बी, एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये आर्म इनकी कॉमन है. तो देयरफॉर ट्राइंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए पी बी बाय ए ए एस, एंगल एंगल एंड साइड नॉट इंक्लूडेड साइड, सो ए ए एस से ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाएगी. एंड बी पी इज इक्वल टू बी क्यू बाय सी पी सी टी, corresponding parts of congruent triangles. Question number 6, देखिए, figure is given. In the figure, AC is equal to AE, AC AE के equal है, AB AD के equal है, AC AD के equal. देखिए दो दो lines लगा के ना आपको दिखाया हुआ है, ये जिन पे two lines लगी है मतलब ये दो sides आपस में equal है, और AB is equal to AD है, and angle ABD is equal to angle AEC. ये सारा नहीं है, बीच में ये पोर्शन खाली है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, बीच का पोर्शन बीच में मिसिंग है. तो आपको प्रूव करना है कि शो दैट बी सी इज इक्वल टू डी ई, ये बी सी और डी ई इक्वल प्रूव करने हैं. तो आप यही दो ट्राइंगल्स ले लीजिए, ए बी सी एंड ए डी ई, इनमें आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करिए. लेकिन एंगल्स जो हैं वो पूरे गिवन नहीं है, तो ये जो खाली सा पोर्शन है ना बीच में छोटा सा, ये आपको ऐड करना पड़ेगा दोनों एंगल्स में, तब जाके वो पूरे के बराबर आएगा. देखिए क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए डी, जो जो चीज़ें क्वेश्चन में गिवन थी वो हमने यहाँ लिख ली. फिर उसके बाद टू प्रूफ, बी सी इज इक्वल टू डी ई प्रूफ. आपको ये एंगल गिवन है, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू ई ए सी, ये बी ए डी इज इक्वल टू ई ए सी, ये बीच का पोर्शन आप दोनों तरफ ऐड कर दीजिए, तो एंगल यहाँ यहाँ तक पहुँच जाएगा, यानी कि पूरे ट्राइंगल ए बी सी का एंगल ए हो जाएगा एंड डी ए ई का भी पूरा एंगल हो जाएगा. तो गिवन है, ऐड एंगल डी ए सी टू बोथ साइड्स, दोनों तरफ डी ए सी ऐड कर दो, बी ए डी प्लस डी ए सी, ई ए सी प्लस डी ए सी. जब आप इनको ऐड करके लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा, बी ए डी में डी ए सी ऐड हो गया तो बी ए सी बन गया, बी ए सी इज इक्वल टू डी ए. अब आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए बी डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए सी इज इक्वल टू ए ई, एंड एंगल दिस जो हमने अभी ऊपर प्रूफ किया फ्रॉम सेकेंड, वो एंगल जो है वो दोनों इक्वल हैं, तो ए बी ए ए डी के इक्वल है. इट मीन्स ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस ए एस रूल. सो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी ई बाय एस ए एस रूल. जब एस ए एस रूल से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो वो उसी का पार्ट है, बी सी इज इक्वल टू डी ई बाय सी पी सी टी. क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी. ए बी एक लाइन सेगमेंट है, पी जो है वो इसका मिड पॉइंट है, पी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, डी एंड ई जो है एक और पॉइंट्स हैं, उनको हमने इस तरह से ज्वाइन किया, तो ये दो ट्राइंगल्स बन गए हैं हमारे पास, ए पी डी एंड पी बी ई. इसमें भी एंगल्स गिवन हैं, दिस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये भी गिवन है, और ये जो पोर्शन है बीच का एंगल छोड़ के, ये दो पोर्शन भी आपस में इक्वल है. तो देखिए आप ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, ये ट्राइंगल पे खाली ध्यान दीजिए, इसका सिर्फ इतना सा एंगल गिवन है, जबकि मुझे पूरा ये पोर्शन भी साथ चाहिए ऐसे, और ये वाला इतना ही गिवन है जबकि मुझे यहाँ तक पूरा चाहिए. तो अल्टीमेटली करना क्या है, ये जो दो एंगल्स इक्वल दिए हैं ना, इनमें ये बीच वाला पोर्शन आप ऐड कर दोगे, ई पी डी दोनों तरफ ऐड कर दोगे. तो ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है, और बाद में हमें बताना है कि ए डी इज इक्वल टू बी ई. गिवन जो है, ए पी इज इक्वल टू पी बी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू ए बी ई, ई पी ए इज इक्वल टू डी पी बी, जो बुक में गिवन है वो. तो यहाँ टू प्रूफ क्या करना है, एक तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है, दूसरा ये पार्ट प्रूफ करना है. प्रूफ हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे ई पी ए इज इक्वल टू डी ई बी, जो हमें गिवन था, डी पी बी सॉरी डी पी बी, ये डी पी बी और ये ई पी ए, ये पोर्शन आप इसमें ई पी डी दोनों तरफ ऐड कर दोगे, ऐड एंगल ई पी डी टू बोथ साइड्स, दोनों तरफ ई पी डी ऐड कर दिया, ई ए पी प्लस ई पी डी, डी पी बी प्लस ई पी डी. जब आप इनको ऐड करोगे तो अब आपको क्या मिलेगा, ये देखिए यहाँ तक गिवन था, यहाँ तक आपने ऐड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ए डी पी, डी ए डी पी ए या ए पी डी, कुछ भी आप लिख सकते हैं. पी सेंटर में रहना चाहिए, चाहे ए को इधर ले जाओ डी को इधर ले आओ, ये एंगल्स इक्वल हो गए. अब आप लिखोगे इन ट्राइंगल डी ए पी, दस डी ए पी एंड ई बी पी, क्या क्या गिवन है,
डी पी ए इज इक्वल टू ई पी बी, ये हमने यहाँ से प्रूव किया अभी ऊपर प्रूव करके लिखा फ्रॉम फर्स्ट. पी बी ए पी इज इक्वल टू पी बी, पी इज द मिड पॉइंट गिवन है, ये मिड पॉइंट है तो ए पी इज इक्वल टू पी बी होगा. और तीसरा एंगल भी गिवन है, दिस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, देयरफॉर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ए एस ए रूल. ये हमारे ट्राइंगल्स ए एस ए रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए. ऑल्सो ए डी इज इक्वल टू बी ई बाय सी पी सी टी. जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके बाकी के पार्ट सारे इक्वल हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है. इसमें जो भी चीज़ें गिवन है पहले ध्यान से समझ लीजिए. इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी एक राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल डैट सी, ये सी जो है ये 90 का एंगल है, गिवन है. फिर एक पॉइंट डी लिया है, उसको ज्वाइन किया है डी सी को और फिर बी डी को भी ज्वाइन कर दिया है. एम पे ये दोनों लाइंस आपस में काट रही हैं तो डी एम इज इक्वल टू एम सी दिया है. और ये पहले से ही गिवन है कि ए जो एम जो है वो मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, यानी कि ए एम इज इक्वल टू एम बी भी इक्वल है, ये भी गिवन है. ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल हैं, यानी कि ए एम इज इक्वल टू एम बी है, डी एम इज इक्वल टू एम सी है और ये फिगर है, ये एंगल 90 है. अब आपको इसमें फोर पार्ट्स प्रूव करने हैं. पहला क्या है, ट्राइंगल ए एम सी और बी एम डी कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि ये वाला और ये वाला, ये बीच का छोड़ दो, इस पे ध्यान मत दो, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, आपने ये बताना है. तो इनकी कॉन्ग्रुएंसी आप इजीली प्रूव कर सकते हो. फिर उसके बाद आपको बताना है डी बी सी भी राइट एंगल है, प्रूव करना है ये. तीसरा, डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी ए, ये सेम बेस बी सी वाले दो ट्राइंगल्स ये इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं. और चौथा प्रूव करना है सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी. देखिए जी, ये फिगर है आपका, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी कि ए एम इज इक्वल टू बी एम है और डी एम इज इक्वल टू सी एम भी है और एंगल सी इज इक्वल टू 90 है, ये चीज़ें गिवन है. टू प्रूव वो जो चार पार्ट्स आपने प्रूव करने हैं. प्रूफ हम शुरू करते हैं, पहले इन दो ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हैं. तो देखिए, इन ट्राइंगल ए एम सी एंड बी एम डी, ए एम इज इक्वल टू बी एम गिवन है, डी एम इज इक्वल टू एम सी बी गिवन है, हाफ ऑफ हैं और ये दो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे. ये देखिए, ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्रॉस बन रहा है ना, क्रॉस में ये वर्टिकली एंगल्स अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. पूरा नाम लिख लीजिए, डी एम सी एम ए एंड डी एम बी, या 1 2 भी लगा सकते हैं. तो ट्राइंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स रीजन हो गया, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस ए एस रूल. अब इसकी कॉन्ग्रुएंसी से हमें सी पी सी टी भी मिल जाएगी. क्या मिलेगा, एंगल ए सी एम, ए सी एम ये वाला ए सी एम इतना पोर्शन, दिस इज इक्वल टू एंगल बी डी एम. ये क्यों ले रहे हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया. अब ये एंगल और ये एंगल क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि आप देखिए ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं. तो अगर ये ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हम बोल देते हैं तो ये दो हमारी लाइंस पैरेलल प्रूव हो जाएंगी. जब ये पैरेलल प्रूव हो जाएंगी तो ये को इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे. इन दोनों को फिर इसको 90 प्रूव करना ईजी हो जाएगा. बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं. अब इक्वल हो गए ऑल्टरनेट एंगल्स तो लाइंस जो हैं वो पैरेलल हो गई. जब लाइंस पैरेलल हो गई तो हम लिखेंगे डी बी सी प्लस सी ए सी बी. ये एंगल डी बी सी और ए सी बी, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 को इंटीरियर एंगल्स. तो ए सी बी ऑलरेडी 90 दिया है तो यहाँ से हमें डी बी सी बी 90 मिल जाएगा. ये हमारा सेकेंड पार्ट प्रूव हो जाएगा, राइट एंगल प्रूव हो गया. थर्ड में हमने ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है. फिगर एक बार फिर से देखिए. अब ट्राइंगल है हमारे पास डी बी सी एंड ए सी बी, डी बी सी एंड ए सी बी. इसमें बी सी बी सी कॉमन है. एंगल ए सी बी इज इक्वल टू डी बी सी, अभी हमने वो बेस एंगल्स 90 प्रूव किए हैं और उसी ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी से हम कह सकते हैं बी डी इज इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी. तो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस सी एस रूल. ये हमारे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए. जब ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, अब फोर्थ पार्ट हमने प्रूव करना है कि सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी. तो डी सी इज इक्वल टू ए बी बाय सी पी सी टी आ गया. डी एम इज इक्वल टू सी एम इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू बी एम. ये चारों पार्ट्स आपस में इक्वल हैं क्योंकि वो मिड पॉइंट था एम उसका. तो हम इनको ऐड कर लेते हैं. डी एम प्लस सी एम इज इक्वल टू ए एम प्लस बी एम. ए एम प्लस बी एम करोगे तो ए बी बन जाएगा. ये देखिए फिगर, आप देखिए ए एम प्लस बी एम ऐड करो तो क्या बन जाता है, ए बी. और ये डी एम एम सी, तो डी एम और सी एम की जगह, मतलब डी एम की जगह भी हम सी एम लिख सकते हैं क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स हैं. तो वही हमने किया, डी एम की जगह सी एम और ये ऑलरेडी सी एम, और इन दोनों को प्लस करके ए बी बना.
ट्वाइस सी एम इज इक्वल टू ए बी, तो सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ये हमने प्रूव कर दिया अपना फोर्थ पार्ट। यहाँ हमारी एक्सरसाइज 7.1 जो है वो ख़त्म होती है। क्वाइट ईजी है, सिर्फ कॉन्ग्रेंसी रूल्स को ध्यान में रखते हुए आपने क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो आई होप यू हैव गॉट इट। अगर कोई भी इससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज में हमें बताइए, वी विल ट्राई टू सॉल्व आउट योर प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।